एपेक्स नॉट लेजेंड की तरफ से रेडमी नोट 5 प्रो के लिए MIUI का एक पोर्ट रोम है, एंड्रॉइड 10 का है और काफ़ी ज़्यादा जो है स्मूथ मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। ये MIUI का नो प्लस एडिशन बिल्ड है, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कुछ मिलने वाला है। बाकी गेम प्ले ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा ही। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो मिल जाएगा इंस्टॉलेशन का, तो देख लेना। इसके अंदर आपका AOD भी बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग मिल जाता है, स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें मिलने वाला है। तो चलते हैं सबसे पहले हाइपर प्लस के अंदर, तो MIUI का नो 12.5 प्लस एडिशन जैसे कि यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। और इसके ऑल स्पेक्स में जाते हैं तो ओवरक्लॉक्ड है, एंड्रॉइड वर्जन 10 है, सिक्योरिटी पैच 1 मार्च 2022 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलती है, कर्नल इसके अंदर में डीगल का वर्जन 13 है जो कि ओल्ड कैम है, तो अगर आप कर्नल चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ओल्ड कैम फ्लश करना, ये ओवरक्लॉक्ड मिलता है। बाकी यहाँ पे आपका एपबोल्ट अच्छे से काम कर रहा है, कंट्रोल सेंटर भी इसके अंदर आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाता है, इसमें लैग फिलहाल देखने को नहीं मिलता, काफ़ी स्मूथ है। एडिट में आपको परफॉर्मेंस वाला टॉगल भी मिल जाता है जो कि बैटरी वाला दिया गया है, तो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट की, तो वो ऐसे आप यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हो, सेम टाइम पर दोनों ही काम कर रहे हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। वॉल्यूम पैनल आपको बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट वर्किंग मिल जाता है, 4 पैनल के साथ मिलता है, वैसे आप इसका एसेंट कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड पावर मेन्यू भी यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिलता है जिसमें डबल टैप करने के बाद रिकवरी और फास्ट फूड पे भी जा सकते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से मिलने वाला है। ऐप ओपनिंग इसके अंदर स्मूथ है जिसमें ऐप ओपनिंग आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ मिल जाती है, तो ये आपको बिल्कुल स्मूथ मिलने वाला है, यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट ऐप ओपनिंग भी मिल जाती है, तो यहाँ पे ऐप ओपनिंग को लेकर के भी दिक्कत नहीं होगी, एंड्रॉइड 10 है तो काफ़ी अच्छी ऐप ओपनिंग मिल जाती है। और रैम आपकी बात करें तो 4GB वेरियंट वाला मेरा है, तो 1.7GB के करीब तक जो है फ्री मिल जाता है। और अगर हम बात करें कॉलिंग के बारे में तो वोल्टी तो काम कर रहा है लेकिन वीडियो कॉल भी वर्किंग है उसे, लेकिन बस अदर साइड जो है अपोनेंट को आपको जो है ब्लैक स्क्रीन पूरी देखने को मिलेगी, उधर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, तो ये दिक्कत है, बाकी वर्किंग है। एंड ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है, एंड यहाँ पे आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग वो भी यूज़ कर पाओगे, वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये सब जो है बिल्कुल फिक्स मिल जाएगा। एंड कैमरे की बात करें तो वही सेम प्रॉब्लम, यानी कि डायरेक्ट कैप्चर करोगे तो क्लोज हो जाएगा, तो डिवाइस वाटर मार्क को ऑफ कर देना, उसके बाद कैप्चर कर पाओगे। पैनोरमा मोड की पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ये बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड का यूज़ कर पाओगे लेकिन पैनोरमा मोड का यूज़ नहीं कर सकते, इसका प्रॉब्लम रहेगा, जैसे कि अरिजीत शाह के बिल्ड में और अपेक्स के बिल्ड में हमें देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम्स, यानी कि डिवाइस वाटर मार्क ऑफ करना है, बाकी पैनोरमा मोड का बग रहेगा। एंड वीडियो क्वालिटी वही 4K तक ही देखने को मिलेगी लेकिन 1080 तक आप रिकॉर्ड कर पाओगे सही से, 4K तक काम नहीं करेगा, 1080 वाला जो है आराम से रिकॉर्ड कर पाओगे। जीके में यूज़ करते हो तो इंस्टॉल कर लेना, ये काम करेगा, उसके इसके अंदर गेम टर्बो भी लेटेस्ट ही मिल जाता है, हालांकि यहाँ पे आपको सेटिंग्स तो ऐसे नॉर्मल ही देखने को मिलेगी, जो लेआउट है वो आपको लेटेस्ट वाला थीम एक तरीके से बोले तो वो लेटेस्ट मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ओके गूगल को लेकर के, तो इसका भी बग मिलेगा, ओके गूगल काम नहीं करेगा, इसका प्रॉब्लम रहेगा। एंड गूगल फोटो में लिमिटेड स्टोरेज बताया गया, ऐड किया गया, हालांकि इसके अंदर देखने को तो मिलता है इनेबल करने के बाद, लेकिन जो है ये स्टोरेज पे जा रहा है, यानी कि प्रॉपर अभी भी काम नहीं करते, इसके अंदर पिक्सल के ब्लॉक जो है वो फ्लश करने पड़ेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर काम करेगा, ऐसे फिलहाल तो मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, स्टोरेज के अंदर ही डायरेक्ट अपलोड हो रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, जो कि वेदर के अंदर, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे वेदर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे परमिशन के लिए आया, एग्री किया, डायरेक्ट ये क्रैश कर जा रहा है, यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली। मैन्युअली ऐप पे जाकर के जो है परमिशन दे भी दिया ऐप इन्फो में जाकर, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम मुझे देखने को यहाँ पे मिली है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें गैलरी के बारे में, तो गैलरी थोड़ी ओल्ड मिलने वाली, लेटेस्ट नहीं है, तो हो सके तो लेटेस्ट गैलरी आप मैन्युअली इंस्टॉल कर लेना, उसको इंस्टॉल कर पाओगे। ऐसे अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट में, यानी कि प्री इंस्टॉल, आपको थोड़ी ओल्ड वाली ही गैलरी मिलती है, लेकिन स्काई मिल जाता है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं। और मोर पे भी जाओगे तो सारे ऑप्शंस ओल्ड वाले, लेटेस्ट वाले नहीं मिलते। एंड फाइल मैनेजर की बात करें तो ये वैसे आपको लेटेस्ट ही मिल जाता है, ज़्यादा ओल्ड भी नहीं अब देखोगे तो। एंड अगर हम चलते हैं यहाँ पे इसके प्ले स्टोर की तरफ, तो प्ले स्टोर सर्टिफाइड मिल जाता है, यानी कि सेफ्टी नेट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पास आता है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे, सेफ्टी नेट पास आता है बाय डिफॉल्ट में, यहाँ दिक्कत नहीं है। टूल्स के अंदर चलें तो FM इसके अंदर वैसे नहीं मिलता, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्वालिटी 100 MB तक की रहेगी, और जो फ्रेम रेट है 90 FPS तक बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। एंड टू स्कोर की बात करें तो 1,57,000 मिल जाता है, तो ये ओवरक्लॉक्ड है, तो स्कोर भी आपको उसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। CPU थ्रॉटल अगर आप देखोगे तो 78% तक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें गीगबेंच स्कोर की, तो काफ़ी अच्छा है, सिंगल में 322 मिला है, मल्टी के अंदर 1 4
10 Note 5 Pro में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। एनाग्राम सेटिंग में चलते हैं तो यहाँ पे कनेक्शन एंड सैरिंग के अंदर कास्ट का यूज़ कर सकते हो, एमआई सैरिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन ये पूरी तरीके से सेम रहेगा, जैसे कि पहले के बिल्ड आते थे अपेक्स के उसी तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वॉलपेपर सभी उसी टाइप से मिल जाएगा। वैसे थीम स्टोर के अंदर अगर आप जाते हो यहाँ पे तो इम्पोर्ट आप करके यूज़ कर सकते हो, थीम स्टोर चाइनीज़ वाला इसके अंदर मिलता है, आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के अंदर जो ऑलवेज ऑन दिया गया है, इस पर भी आप जो है सेटिंग अपना यहाँ पे स्टॉप एडजस्ट कर लेना। बाकी आपका जो थीम है यहाँ पे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, AOD के जो थीम है वो आप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो और ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, तो इसके अंदर हमें दिक्कत नहीं मिल रही। एंड्रॉइड 10 है लेकिन ये आपका AOD बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम कर, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है। और फिर नीचे में रेस्ट टू बैक, डबल टैप टू बैक ये सब काम कर रहा है, और चार्जिंग एनिमेशन भी 3 आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर में। नीचे फिर पॉकेट मोड ये सब काम कर रहा है। एनाग्राम चले डिस्प्ले के अंदर तो रीडिंग मोड, कलर स्कीम दोनों काम कर रहा है। अगर किसी को DPI चेंज करना है स्क्रीन का तो यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हो, इसको रिफ्रेश रेट 60Hz जैसे कि मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपका रोटेशन काम कर रहा है, फुल स्क्रीन मोड भी दिया गया है। फॉन्ट वैसे रोबोटो वाला देखने को मिलेगा, लेटेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। और साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपका वैसे MI साउंड एनहांसर बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है, तो MI साउंड एनहांसर का आप यूज़ कर पाओगे, इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है। एनाग्राम यहाँ पे चलते हैं इसके नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में, तो नोटिफिकेशन आपका जो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर है स्टाइल चेंज करने के लिए मिल जाएगा, साइड चेंज कर सकते हो, स्टेटस बार के अंदर कनेक्शन स्पीड हो गया या फिर आपका नोटिफिकेशन आइकन आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे। एंड होम स्क्रीन के अंदर में यहाँ पे आपका जो सर्च बार प्रोवाइडर दिया गया है, यहाँ पे आप चेंज करने के लिए जाओगे, ये क्लिक करोगे, ये भी जो है बैक हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो है ये चेंज नहीं हो रहा, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहता है। वैसे डबल टैप टू लॉक स्क्रीन मिल जाएगा। नीचे फिर अरेंज आइटम इन रीसेंट भी देखने को मिल जाता है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों अच्छे से काम कर रहा है। एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लेटेस्ट ही मिलेगा, तो हो सके यहाँ पे ज़्यादातर यानी कोशिश की गई ज़्यादातर लेटेस्ट ऐड करने की। उस तरीके से बैटरी UI भी अगर आप देखोगे, परफॉर्मेंस बैलेंस ये सब दिया गया इसके अंदर में, लेटेस्ट मिल जाता है। हालांकि बैटरी बैकअप आपको ठीक ठाक इसके अंदर मिलने वाली है। अगर आपको थोड़ी और अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए तो फिर नॉन OC कर देना तो ज़्यादा बेटर, बिल्कुल ही बेटर आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसे में आपको ठीक ठाक मिल जाती, खराब नहीं है बैटरी बैकअप, ठीक ठाक में ही मिलने वाली है। और अगर हम चले ऐप्स की तरफ तो डुअल ऐप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज दिखा दूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज काफ़ी सारी हैं, जिसमें से इंडोनेशिया के भी काफ़ी लोग होते, तो यहाँ पे बता देते हैं इंडोनेशियन लैंग्वेज अवेलेबल है यहाँ पे, और बाकी की लैंग्वेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो रोक करके उसे। एंड अगर हम बात करें रीजन की तो रीजन चेंज कर सकते हो। और फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर में ये जो फुल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर, तो ये इनेबल रहता है, तो इसको सिंपली डिसेबल कर देना तो उसके बाद इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे फिर स्वाइप अप फ्रॉम गूगल ये कॉर्नर के लिए दिया गया है। बाकी आपका बटन अगर आप यूज़ करते हो तो बटन भी यूज़ कर पाओगे, और ये स्मूथ बिल्कुल काम कर रहा है दोनों ही। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप जेस्चर भी सेलेक्ट करते हो तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नीचे जो स्पेस ले रहा है, जैसे नेविगेशन बटन जितना स्पेस लेता है उतना ही स्पेस ये यहाँ पे ले रहा है, जो कि कुछ रूम पहले भी देख रखे होगे बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर का और कितना स्पेस ये ऊपर ले रहा है यहाँ पे, ये चीज़ पता चल रहा है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बाकी तो काम अच्छे से कर रहा है। एंड नीचे फिर क्लियर स्पीकर, वैसे डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना क्योंकि इसका एसेंट कलर भी आप चेंज कर पाओगे। एंड नीचे फिर बाहर में स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, जिसमें फोकस मोड है तो ये भी नॉर्मल है। स्पेशल फीचर्स के अंदर गेम टर्बो है, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो काम कर रहा है, सेकंड स्पेस यूज़ कर पाओगे तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं। बाहर फिर MI अकाउंट, गूगल अकाउंट, अकाउंट सिंह ये सब जो है देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और अब चलते हैं हम गेम की तरफ, तो गेम के अंदर जो गेम टर्बो जैसे कि मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेटेस्ट वाला गेम टर्बो मिल जाएगा। हालांकि एंड्रॉइड 10 है तो वॉइस चेंजर तो ऐसे भूल ही जाओगे, वॉइस चेंजर यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो वॉइस चेंजर का बग रहेगा। बाकी अगर हम चलते हैं इसके ग्राफिक की तरफ, वो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट बिल्कुल नॉर्मल वाला ही रहेगा, स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक, तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। एंड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी जैसे कि इसके अंदर, वैसे बैटरी की सबसे पहले बता दूँ कि बैटरी आपको ज़रूर इसके अंदर अच्छी मिल जाती है, अगर थोड़ी और अच्छी चाहिए नॉन OC कर लेना, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ओवरक्लॉक्ड ही रहने देना, परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को इसके अंदर मिल जाती है। तो अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे लेटेस्ट बिल्ड में अभी जो आ रहे हैं, हालांकि ये ओल्ड बिल्ड है 12.5.3 पे बेस्ड है, तो ओल्ड बिल्ड है लेकिन अभी आया हुआ, इसके अंदर सिक्योरिटी पैच सब लेटेस्ट अपडेट किया गया, तो कुछ चीज़ें यानी कि 2X जो है CPU ये सब जो है 2X ऐड किए गए इसके अंदर में, तो ये जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेटेस्ट एक तरीके से इनबिल्ड आपको अंदर से मिल जाता है। बाकी तो बाहर आपका जो नेम से अगर आप देखोगे तो फिर ओल्ड ही रहेगा, बाकी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ जो है एक्स्ट्रा ऐड की गई है इनबिल्ड, तो इससे जो है आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस भी वैसे अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा देखने को मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा है, स्मूथ UI के साथ मिल जाता है। और जो प्रॉब्लम्स थे वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, बता दिया हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखे तो एक बार कंप्लीट देख लो, सारी चीज़ों के बारे में आप जो है यहाँ पे आराम से क्लियर हो जाओगे। बाकी फिर कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जैसे कि वीडियो कॉल के लिए बताया कि अपोनेंट आपकी तरफ तो बिल्कुल क्लियर रहेगा, सारी चीज़ें दिखेगी, लेकिन अपोनेंट जो दूसरी तरफ आपका रहेगा उधर वाले पे ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगा वीडियो कॉल के अंदर में, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। बाकी तो यहाँ पे आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है, उसे
आप कॉलिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस वही ब्लैक वाला प्रॉब्लम है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, ओके गूगल का बग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। तो बस यही था आज इस वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।